Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब करेंगी देवी अहिल्या स्त्री शक्ति को सशक्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अब बारी आ गई है उन स्त्रियों को भी जगाने की जो सोई पड़ी है, जो गलत रास्ते पे है। इसीलिए ये एपिसोड जिसमें हमने शुरू से लेके एंड तक स्त्री शक्ति के बारे में ही बातें सुनी, वो यही चीज दर्शाता है। और फिर कमिंग अप में हमने सुना कि देवी अहिल्या स्त्री सेना बनाना चाहती है, तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले तो पार्वती को लेकर बड़ी खुशी हुई दोस्तों। सुधरी तो हुई है पार्वती, मगर अब वो सीखने की चाह में भी है। अहिल्या देवी को पल पल ऑब्जर्व कर रही है और उनसे सीख रही है, उनसे सवाल कर रही है, और जो नहीं समझ में आता वो भी उनसे पूछती है। और देवी अहिल्या यही तो चाहती है कि हर स्त्री जो हर तरह से पूरी है और हर तरह से उनके अंदर पूरा शक्ति है, वो क्यों ना आगे होके अपनी बात करे। चाहे वो सीता बाई है, चाहे वो पार्वती है, चाहे वो चंबल की स्त्रियां हैं। तो जब देवी अहिल्या पार्वती को ये सब बातें बता रही थी तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि उसमें उन्होंने जब ये बात कही कि तुमको पता नहीं है, पार्वती को जब वो कहती है कि तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, कुछ इसी तरह का डायलॉग था कि तुम्हें ही पता नहीं है, मगर जब पता चल जाएगा तो तुम खुद अपनी शक्ति को जो है पहचानोगी। तो यही चीज है दोस्तों, हम सब में एक अच्छी गुड फीलिंग है, अच्छी शक्ति है जिसको हम पहचानते नहीं, उसके ऊपर और कई चीजों की जो है परत हम जमाते रहते हैं, और जब वो परतें निकलती है, साफ होती है, तो हमें पता चलता है कि हम कितने सशक्त हैं अंदर से। ये पूरा यूनिवर्स हम ही तो है। तो जब ये चीजें हमें पता चलती है तो हमारे अंदर एक अलग ही जो होता है ना, एक लॉ आ जाती है। तो उसी लॉ को हम अपने चेहरे पे देखते हैं, उसी लॉ से हम लोगों से मिलते हैं, लोग देखते हैं, वो पूछते हैं कि आप क्या करते हो, क्या है आपके अंदर, तो हम बताते हैं कि हमारे अंदर ही नहीं आपके अंदर भी है। तो वही एक एग्जांपल सेट की है देवी अहिल्या ने इस एपिसोड में, जब वो बात करती है पार्वती से और पार्वती सीताबाई की बात करती है, तो वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम सीताबाई के बारे में बोलोगी, मगर यहाँ पे बात गुनु जी की है, क्योंकि गुनु जी सीताबाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीताबाई जो है वो भोली है, यही कहना चाहती थी वो। क्योंकि सीता बाई के ऊपर प्रेशर है कि पति परमेश्वर होता है, पति को जैसा भी हो आपको पति के ऊपर ही डिपेंड रहना है, तो ये चीजें पार्वती को समझा रही थी देवी अहिल्या, मगर हम सबको कह रही थी। फिर बीच में माले राव का सीन आना कि स्त्री को तलवार चलाने नहीं आनी चाहिए, है ना, वो थोड़ी चलाती है, वो सीन का भी यही मतलब था। और फिर जो मुक्ता का और अहिल्या देवी का जो आपस में जो उनका देखना था, जो मूव थी, मुक्ता जा रही है, देवी अहिल्या देख रही है, मुक्ता का सवाल है कि आप भी तो चलाती है ना तलवार आई, तो मैं क्यों नहीं। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि देवी अहिल्या जिस शक्ति को अपने अंदर पहचान चुकी है, अब वो हर स्त्री के अंदर वो शक्ति को जगाना चाहती है। वो चाहती है कि स्त्री पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चले और अपनी जीत को एस्टेब्लिश करें, और ये जीत सिर्फ स्त्री की नहीं होगी, उसके पूरे परिवार की होगी। जैसे कि अहिल्या देवी ने ये बात कही खंडे राव को कि ये हमारी जीत है, मालवा की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। तो जब ये मेरी मैं से ऊपर उठ जाएंगे लोग, तो संसार अपने आप में ही बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो यही मैसेज जो देवी अहिल्या देना चाहती है, और जब ये प्रस्ताव उनका आएगा जो उन्होंने कहा है कि स्त्री शक्ति यानी कि स्त्री सेना बनाना चाहती हैं, वो उनके लिए शस्त्रशाला खोलना चाहती हैं, तो पुरुषों का विरोध तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उनके लिए तो अभी देवी अहिल्या ही बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। तो अगर देवी अहिल्या अपनी जैसी और स्त्रियों को जगा देंगी तो पुरुषों का क्या होगा, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी उनको ये करने के लिए नहीं कहेगी। तो यहाँ पे उनकी जंग, उनकी लड़ाई जो देवी अहिल्या की होगी वो आसान नहीं होगी। देखते हैं आगे क्या होता है, मगर ये तो हिस्ट्री में है कि उन्होंने स्त्री सेना का गठन किया था। तो मुझे ये जो एपिसोड है बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।